मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में आज शाम शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई। क्षेत्र वासियों ने जैसे तैसे मकान में फंसे बुजुर्ग दंपति को घर से बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर बामुश्किल काबू पाया। हादसे में जहां लाखों के नुकसान की बात हो रही है, तो वहीं घटना को लेकर क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी के हालात बने रहे। आपको बता दें, मेरठ के शास्त्री नगर एल ब्लॉक में रहने वाले अमीरचंद बिजली विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। बताया जाता है कि आज शाम अमीरचंद अपनी पत्नी के साथ पूजा कर रहे थे, इसी दौरान घर की रसोई में अचानक आग लग गई। आग से घिरे बुजुर्ग दंपति का शोर सुनकर घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। क्षेत्र वासियों ने हिम्मत दिखाते हुए मकान में फंसे अमीरचंद और उनकी पत्नी को बामुश्किल बाहर निकाला। इस बीच आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। घटना के कुछ देर बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों के बाद आग को बुझाया, मगर तब तक मकान में रखा काफी सामान जलकर राख हो चुका था। घटना के चलते क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अग्निशमन अधिकारी संजीव कुमार के मुताबिक आग का कारण शॉर्ट सर्किट है। मेरा नाम राकेश शर्मा है। किस तरीके से आ रही है ये यहाँ पे मकान में? क्या कहते हैं, दोनों मियाबी भी रहती हैं, दोनों ही सेवानिवृत्त हैं। तो उनकी मिसेज क्या चाय बनाने गई थी, तो उन्हें अंदर से क्या कहते हैं थोड़ी सी चिंगारी की आवाज़ आई और क्या कहते हैं वो धुआं निकलने लगा। वो दौड़ के आई, उन्होंने हल्ला कर दिया और हम सब लोग इकट्ठे हो गए। हमने 112 नंबर पर टेलीफोन करा, तो उसके आध घंटे बाद क्या कहते हैं वो पानी बुझाने की गाड़ी आई। हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने बड़ी मेहनत करके सिलेंडर बाहर निकाल लिए थे, जो कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। कितने का नुकसान है? इनका नुकसान क्या कहते हैं, मंदिर की सारी मूर्तियाँ वगैरह थी क्या कहते हैं, और कपड़े वगैरह इनके जल गए हैं। बाकी वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बता सके। दोनों ही बुजुर्ग हैं, बेहद परेशान से। सर, एक मकान में आग लगी है, क्या है? ये शास्त्री नगर में L-676 नाम का मकान था, जिसमें जिसके ओनर थे अमीरचंद। इनके मकान में घरेलू सामान में आग लग गई थी और जिसको फायर सर्विस ने पूरी तरह से इस समय बुझा लिया गया है। आग लगने का कारण आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट ही प्रतीत हो रहा है। कितनी फायर गाड़ी लगी? अभी एक गाड़ी आई हुई है और उसी से ही पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया है।